परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने हमें चुना, अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा। हालेलुया, ये हम सब जानते हैं। हमारा उद्धार हुआ, हमें नया जन्म दिया, हमें नया बनाया, नई सृष्टि में बनाया, इस पुराने संसार से निकालकर उसने हमें नया किया, उसने संसार से हमें नया किया, हालेलुया, अलग किया, ये सब हम जानते हैं, और हमें इसी संसार में रखा। कई बार हमारे अंदर ये सवाल उठता है कि परमेश्वर ने जब हमें उद्धार कर दिया, हमें नया कर दिया, पापों शापों से मुक्त कर दिया, तो उसने हमें यहीं क्यों रखा? हालेलुया, उद्धार करते ही हमें ऊपर उठा लेता, अपने पास बुला लेता, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारा यहाँ काम क्या है? हमारा उद्धार हो गया, फिर पापमय जीवन हम क्यों, पापमय इस दुनिया के अंदर हम क्यों रहें, जबकि हम पवित्र बन चुके हैं, जबकि हम पूरी तरीके से नए बन चुके हैं। हालेलुया, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की योजना इस धरती पर पूरी हो सके। हालेलुया, इसलिए मेरी बहन, सबसे जरूरी है कि हम यीशु को जाने कि यीशु है कौन, और हम ये जाने कि यीशु ने हमें चुना क्यों है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते। हम कलीसिया को दूसरे पूजने वाले स्थान के रूप में लेते हैं, हम कलीसिया को लेते हैं कि यहां से हमारी भौतिक चीजों को पूरी होगी, हमारी भौतिक चीजें जो हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी जरूरतें हमारी कलीसिया से पूरा करेगा। लेकिन कलीसिया की रचना इसलिए की गई है जो इन सब से बहुत ऊपर है। हम कलीसिया से जुड़ते हैं, यीशु से जुड़ते हैं, यीशु मसीह में आते हैं अपनी भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, और इसकी वजह से ही हम यीशु को जान नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि यीशु ने हमको चुना क्यों है, यीशु ने हमें नया क्यों बनाया है। हालेलुया, क्योंकि जब तक आप उसकी योजनाओं को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम जान जाएंगे कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है और क्यों कलीसिया में रखा है, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा जीने का तरीका ही बदल जाएगा। फिर हम भौतिक चीजों के लिए नहीं लड़ेंगे, फिर हमारे लिए भौतिक चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि वो चीजें तो हमें मिलनी है, वो चीजें जीवन नहीं है, रोटी जीवन नहीं है, कपड़ा जीवन नहीं है, मकान जीवन नहीं है। हालेलुया, तो हमें जब परमेश्वर, हम उन लोगों से जो नहीं जानते उनसे कहीं ऊपर है। पहले भी हम इन पांच इंद्रियों के हिसाब से अपने जीवन को बिताते थे, और आज भी हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को इन पांच इंद्रियों के मुताबिक ही बिताएं, जो कि नहीं है। हम इन पांच इंद्रियों से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जो अस्तित्व है, हमें जो परमेश्वर ने नया बनाया है, उसका मकसद ही अलग है। हम कलीसिया में आते हैं और हमारी भौतिक चीजें पूरी होती हैं, हम चले जाते हैं। बहुत दुख की बात है, क्योंकि आपने अद्भुत जो उसका मंजिल है, जो उसकी उसका जरूरत है, जो वो आपको देना चाहता है, वो तो आपने लिया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस चीज को लेकर चले गए जो नाश होने वाली है। हम आए
उस चीज को लिया जिसका नाश होने वाला है और चले गए, खुश हो गए कि हमें रोटी मिल गई, हमें कपड़ा मिल गया, हमें मकान मिल गया। लेकिन मेरे भाई, जो यीशु देना चाहता है, जिसके लिए वो मरा है, जिसके लिए उसने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, नया किया है, वो तो हमने लिया ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु को दुख होता है कि मेरा भाई जो कलीसिया में, जिसको मैंने नया बनाया, जिसको मैंने नई सृष्टि में जन्मा है, वो समझ ही नहीं रहा है। वो ऐसी चीजों से खुश हो रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब तक आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की कीमत है, तब तक आप यीशु की कीमत को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यीशु की कीमत इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी कीमत क्या है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, ध्यान से आप इस वचन को समझिए। हम यहां पर क्यों हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है, और हमें आगे जाकर क्या करना है। हालेलुया। इस चीज का जानना बहुत जरूरी है। वचन के द्वारा हमें समझना है कि परमेश्वर वाकई हमसे क्या चाहता है, और चुनने के बाद, नई सृष्टि में आने के बाद, हमारी इस धरती पर भूमिका क्या है। हालेलुया। जिस दिन आप इस भूमिका को समझ गए मेरी बहन, जिस दिन आप समझ गए कि आपको करना क्या है, लूका 22:29-30, जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, उस दिन आपके सोचने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपको दुनिया को देखने का तरीका सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। हालेलुया। देखिए, लूका 22 में यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, जिनको उसने चुना, जिसने उसको अपना बनाया, और वो कहता है, मैं आपके लिए दो वचन पढ़ता हूं, उसके बाद हमारी बहन पढ़ेगी। लूका 22 उसका 29-30 वचन, जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो, तथा न्याय आसन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि चेलों को परमेश्वर ने किसके लिए चुना है? इज़राइल के गोत्रों का न्याय करने के लिए। हालेलुया। वो 12 गोत्र जो याकूब के बेटे थे, बच्चे थे, उन पर न्याय करने के लिए किसको अधिकार दिया है? अपने चेलों को, यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें क्या करना है? देखिए, ध्यान से समझिए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपने कर्म से और अपने विश्वास के बल पर ही हम उस न्याय के आसन को स्वीकार ले पाएंगे। आपके कर्म पर, आपके विश्वास पर आधारित है कि आपको वहां सिंहासन मिले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है इस धरती पर राज्य करने के लिए। जब नया यरूशलेम आएगा, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो होने वाली हैं, इसलिए आप इसको शक और संदेह से मत समझिए इसको, क्योंकि अगर आपने संदेह किया तो आप बहुत कुछ खो बैठेंगे, बहुत कुछ खो बैठेंगे। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। यीशु जब आएगा तो रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं कि 7 साल इस धरती पर महासंकट का पीरियड होगा, और 7 साल के बाद एक नया यरूशलेम धरती पर आएगा,
और हम जो जाएंगे यीशु मसीह के साथ, वो 7 साल के बाद 1000 साल के लिए धरती पर रहेंगे और यहां पर राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी और जो मेरी भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको सिंहासन देने वाला है। हम इस धरती पर जो हमारे भाई बहन रह जाएंगे उन पर 1000 साल तक राज्य करेंगे और 1000 साल तक शैतान को बांध दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको यहां पर जब तक आप हैं, आपका आपको करना क्या है? सवाल यह है कि आपको अब जीवन कैसा बिताना है और क्यों बिताना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको चलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पीरियड है, ये जो हमारी अवस्था है, ये हमारा ट्रेनिंग का पीरियड है। किसका पीरियड है? हेलो, जोर से बोलिए, किसका पीरियड है? ट्रेनिंग का पीरियड है। परमेश्वर ने चुनकर हमें नया बनाकर हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ेली और उसने यहां पर हमें रखा है ताकि हम उस सिंहासन के लिए अपने आप को ट्रेन करें। हालेलुया। आपको उसने अपॉइंट किया है। यूहन्ना 15:16 पढ़िए, ध्यान दीजिए, आप यहां किसके लिए हैं? अगर आपको एक बड़ी कंपनी में सीईओ की जॉब मिलती है, एक डायरेक्टर की जॉब मिलती है, तो उस डायरेक्टर की जॉब को करने के लिए आपको 6 महीने की, 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बड़े डायरेक्टर की जॉब को करने के लिए, उस कुर्सी पर बैठने के लिए आपको 1 साल तक, 6 महीने तक ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा ताकि आप जान सकें कि आपको डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर क्या काम करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो काम आपको ईमानदारी के संग काम करना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई तो आपकी कुर्सी खतरे में। तो बाइबल क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। क्या कहता है यूहन्ना 15:16? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि? और तुम्हें नियुक्त किया है। यहां पर यह वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, यानी कि परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है। आप इस धरती पर जो जिंदगी बिता रहे हैं वो अपॉइंटेड है। परमेश्वर के वचनों की, देखिए, ये है हमारी ट्रेनिंग का सामान। प्रेज़ द लॉर्ड। और ट्रेनिंग देने वाला कौन है? शिक्षक हमारे साथ, पवित्र आत्मा, वो हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो शिक्षक हमारे साथ है, टीचर हमारे साथ है, और ये है जिसकी ट्रेनिंग हमें करनी है, क्योंकि हम चुने हुए हैं। अब आप संसार के नहीं है, अब आप कहां के हैं? प्रभु के हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये यकीन करना है कि मैं चुना हुआ हूं, क्योंकि जब तक आप ये यकीन नहीं करेंगे कि मैं चुना हुआ हूं, तो ये थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा तूफान आपको पीछे भगाएगा। जिस दिन आपको ये यकीन हो गया, जिस दिन आपने विश्वास कर लिया और यकीन करके कि मैं नियुक्त हो चुका हूं, मैं अपॉइंटेड हूं, मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है और अब मैं सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊंगा। जिस दिन आप ये विश्वास करेंगे उस दिन आपकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से शुरू होगी। अभी हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो निगाह है संसार में ही है। हम संसार से जरूर आ गए लेकिन हम संसार के ही हैं। अभी भी हम
रोटी के बारे में सोचते हैं, कपड़े के बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं, रिश्तों के बारे में सोचते हैं। अभी भी मौत से हमें डर लगता है, बीमार हो जाते हैं तो हम डर ले जाते हैं। हमारे लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। बीमारी आपके जीवन में क्यों काम कर रही है? क्योंकि आप बीमारी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप शरीर में हैं, ये होगा। बाहर का भाई बहन मौत से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका मौत अंत है, लेकिन हम मौत से नहीं डरते क्योंकि हमारे बाद मौत के बाद जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, मौत के बाद जीवन है। हमारे एक पासवान, हमारे अच्छे दोस्त, हमारे ब्रदर थॉमस, उनकी डेथ हो गई, वो पहले चले गए, हम बाद में जाएंगे। हालेलुया, वो इस समय पिता के पास हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गम की बात नहीं है, मैं जब तक यहां पर हूं पिता का हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे खरीदा हुआ है, मुझे नियुक्त किया हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से खर्च करना है, पूरी तरीके से खर्च करना है, ईमानदारी के साथ खर्च करना है। हमारा एक एक पल परमेश्वर का है। प्रॉब्लम क्या है कि आप ईमानदारी के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप चिंतित हैं अपने जीवन के लिए। जिस दिन आप पूरे मन से अपने जीवन को समर्पित करेंगे प्रभु के चरणों में, आपकी सारी चिंताओं को हरने वाला यीशु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने हमें चुना है और चुनकर उसने हमें नियुक्त किया है ताकि हम फल लाएं और फलवंत हो जाएं। और बाइबल कहती है उसके बाद तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। जो, प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ। हम ये जान लें कि हमें इस धरती पर क्या करना है। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं नियुक्त हूं, मैं अपॉइंटेड हूं, अब मेरा जीवन संसार का नहीं है, अब मेरा जीवन प्रभु का है, और इस धरती पर रहकर मुझे प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि प्रभु ने आपको शुद्ध किया है, अपने योग्य बनाया है, एक नई सृष्टि में बनाया है। पुरानी चीजें वो आपसे नहीं कराना चाहता है, वो नई चीजें आपसे कराना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका कानून, उसका नियम आपके द्वारा इस धरती पर आना चाहिए। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? देखिए, अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आपके लिए चर्च, आपके लिए वचन एक ऐसा नियम और एक ऐसी कीमत होगा, एक ऐसी आज्ञा होगा, एक ऐसी चीज होगी जिसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे ही आपको प्रभु ने चुना, आप आम इंसान नहीं रह गए, आप परमेश्वर के हैं। अब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर यीशु जो आप में है, वो इस जीवन को जी रहा है। आप यीशु में, आप क्रूस पर मर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा जो ये जीवन है वो ट्रेनिंग का जीवन है। इसलिए एक्ट्स 9:9-16 में जब पौलुस को यीशु मसीह ने चुना था,
प्रेरितों का काम 9:16 बताता है कि जब यीशु मसीह ने पौलुस को चुना था अपनी सेवा के लिए, तो उसने कहा था कि पौलुस तुझे मेरी सेवा करने के लिए दुख उठाने पड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ये नहीं कहा था कि तू राजकुमारों की तरह रहेगा, कोई जादूगरी करेगा, जिसको उठाना होगा उठा देगा, जिसको बैठाना होगा बैठा देगा। तुझे मेरे लिए दुख उठाने, क्यों? क्योंकि तुझे परीक्षाओं में रहना है, क्योंकि यह संसार जो मुझे नहीं जानता है वो जब तेरे जीवन को देखेगा तो उसको कष्ट होगा। इसलिए तो कहा है परमेश्वर ने कि तुम जब मेरे साथ चलोगे, जब तुम मेरा नाम उठाओगे तो दुनिया तुमसे नफरत करेगी। सिंपल है, क्योंकि दुनिया जानती नहीं यीशु के शक्ति को, यीशु की योजना को, वो जान ही नहीं रही है यीशु क्या देना चाहता है, यीशु ने आपको क्यों चुना है, यीशु आपसे क्या कराना चाहता है, वो कौन सी योजना है जो यीशु मसीह धरती पर लाना चाहता है, अनंत काल का जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, सिंहासन क्या है, ये दुनिया नहीं जानती है। हमें यही बातें जानकर चलना है, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे भैया। अगर आप इन बातों को ख्याल में नहीं रखेंगे मेरी बहन, आप असफल हो जाएंगे। इसीलिए आप दुख उठाते हैं, इसीलिए आप कष्ट सहन करते, इसीलिए आपको मसीह में कष्ट होता है, आप आनंद नहीं ले पाते। प्रेज द लॉर्ड, आनंद नहीं। पौलुस क्या कहता है, हर समय आनंद में रहो। प्रेज द लॉर्ड, क्यों रहो? क्योंकि जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो अद्भुत है। आप नहीं जानते मेरी बहन कि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि में इस धरती पर रखकर वो क्या चाहता है। हमें स्वर्ग जाकर, स्वर्ग में आपको टाइम नहीं मिलेगा, यही ट्रेनिंग है आपकी, यही ट्रेनिंग पीरियड है, क्योंकि 1000 साल के लिए आपको राज्य करना है। अगर आपको यह ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे राज्य करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, अगर आपको कानून पता नहीं है यीशु का, तो आप न्याय कैसे करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी वकील, कोई भी न्यायाधीश हिंदुस्तान के न्याय के कुर्सी पर कब बैठेगा? जब उसे हिंदुस्तान के कानून का ज्ञान होगा। प्रेज द लॉर्ड, इस दफा का यह मतलब है, इस दफा का यह मतलब है। प्रेज द लॉर्ड, तभी तो आपको बैठाएंगे, तभी तो आपको जज बनाएंगे, वकील बनाएंगे। अगर आपको हिंदुस्तान के या दुनिया के कानून का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो आपको कुर्सी पर क्यों बिठाएंगे? और बाइबल क्या कहती है, याकूब 2:5, कि परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के लिए चुना है। जल्दी से पढ़िए, याकूब, जेम्स 2:5। हे मेरे भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकार हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है? उस राज्य के अधिकारी हो। हमें किसके लिए चुना है? इस राज्य के लिए नहीं। मेरे भाई, हो सकता है आपको मेरी बातें कभी कभी आपके दिमाग से ऊपर निकल जाती होंगी, क्योंकि मैं आपको ये प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप यीशु मसीह को जान मानोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, धंधा मिलेगा, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको बंगले बन जाएंगे, गाड़ियां आ जाएंगी। मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी कोई कीमत नहीं है, वो तो आएगा ही।
मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए कभी कभी हो सकता है मेरी बात आपको ऊपर से निकलती हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। मेरी बहन, कल को आप इन बातों को अगर जान जाएंगे ना, आप नहीं जानते हैं कि वो जो सामर्थ्य प्रभु का है वो आपके जीवन में कैसे काम करना चाहता है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे। आप नियुक्त हैं, आप अपॉइंटेड हैं, आप चुने हुए हैं, आप इस धरती पर जो जीवन जी रहे हैं उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, यूं ही नहीं जी रहे हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहता है कि चुना है कि विश्वास में धर्मी और उस राज्य के अधिकारी हो। हमको परमेश्वर ने क्यों चुना है कि हम उस राज्य के अधिकारी हो, इस राज्य के अधिकारी ना बने। लेकिन अगर हमें उस राज्य के अधिकारी बनना है तो हमें उस राज्य का ज्ञान होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उस राज्य के नियम को जानना जरूरी है, उस राज्य के कानून को जानना जरूरी है। और उस राज्य का कानून कौन है, कहां पर है लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। उस राज्य का कानून इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए अगर हमें उस राज्य का अधिकारी बनना है तो हमें इस वचन को, इस ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि वो ज्ञान, वो नियम जो हमें उस राज्य का है वो हमें इस धरती पर हासिल करना है, इसलिए कलीसिया बनाई है, इसलिए कलीसिया बनाई है परमेश्वर ने। जब यीशु मसीह मरा, इफिसियों 4:8 पढ़िए, देखिए परमेश्वर ने क्या दिया है। ध्यान दीजिए, आपका जो पीरियड है, आपका जो इस समय दौर चल रहा है, ये ट्रेनिंग का पीरियड है। हालेलुया। एक बच्ची जब 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, उसकी माँ उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है कि वो शादी के बाद दूसरे घर जाने वाली है। चल आटा गूंथ, चल रोटी बेल के दिखा, देख कितना नमक डालना है, दाल बना के दिखा, घर में नमक कम होगा ज़्यादा होगा चलेगा, वहाँ नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, उसकी ट्रेनिंग। क्योंकि उसे दूसरे घर में एक पत्नी के रूप में, एक बीवी के रूप में जाकर उस घर को संभालना है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक माँ अपनी बच्ची को ट्रेनिंग देती है बीवी बनने की, पत्नी बनने की, बहू बनने की ट्रेनिंग देती है। हालेलुया। और जो बच्ची ईमानदारी के संग ट्रेनिंग लेती है वो अपने ससुराल में खुश रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और जो नहीं लेती है, जो कहते अरे नहीं यार देखा जाएगा यार, देखेंगे क्या होगा होगा, तो क्या होगा, उसको दुख सहना पड़ता है। उसको शादी होती है, उसको शादी उसकी भी होगी, शादी उसकी भी होगी। जिसने ट्रेनिंग नहीं ली शादी उसकी भी होगी, जिसने ट्रेनिंग ली है उस शादी उसकी भी होगी। लेकिन जिसने ट्रेनिंग ली है वो उस घर में राज्य करेगी। सब लोग उसका नाम लेंगे, इधर इधर आ, अरे बेटा इधर आ, सब लोग उसको बोलेंगे इधर आ बेटा, इधर आ बहू, इधर आ बेटी, इधर आ। और जिसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी उससे कहने, नहीं छोड़ो यार उसको कुछ नहीं आता यार, उससे दाल बनवाओगे खराब हो जाएगी, नहीं 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 तो बैठ बेटा बैठ, तो उससे क्या लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं ली उसने। हम जा तो रहे हैं स्वर्ग, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन सिंहासन कब मिलेगा, जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी। हर एक सिंहासन पर नहीं बैठने वाला, 1,000 के लिए, 1,000 साल के लिए जब हम नए यरूशलेम में स्वर्ग से जमीन पर आएंगे तो यहां पर हमें राज्य करना है। और राज्य करने के लिए हमारे पास ज्ञान होना जरूरी है, हमारी ट्रेनिंग होना जरूरी है,
तो ये जो पीरियड है हमारा धरती पर वो ट्रेनिंग का पीरियड है, इसलिए सताव हमारी ट्रेनिंग है, परीक्षाएं हमारी ट्रेनिंग है। कौन आपको रास्ता दिखा सकता है? जो उस रास्ते से गुजरा हो, जो उस रास्ते में गड्ढे में गिरा भी हो, प्रेज द लॉर्ड। एक टीचर अपने विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दे सकता है क्योंकि वो पहले विद्यार्थी था, प्रेज द लॉर्ड। एक शराबी कलीसिया में आया, सब लोग उसे शराबी को ज्ञान दे रहे थे, प्रभु के बारे में बता रहे थे कि प्रभु कौन है, शराबी को वो समझ नहीं रहा था। हालेलुया। पास्टर ने उसको उस शराबी से किसको मिलवाया? उस शराबी से मिलवाया जिसने शराब छोड़ दी थी। जो शराबी ठीक हो चुका था, उनके चर्च में था, उस शराबी ने उस शराबी को सुसमाचार सुनाया तो उसे समझ में आया, क्योंकि वो शराबी था, उसने बताया मेरे संग क्या हुआ है। हालेलुया। पतरस परीक्षा में पड़ा, पतरस ने 3 बार इनकार किया, और वही पतरस था जिसने 3,000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, जिसके सुसमाचार सुनाने से 3,000 लोग ने उद्धार पाया। तो हम जब इस ट्रेनिंग के पीरियड से निकलेंगे, जब हम इस वचनों के पीरियड से निकलेंगे, तो हम रोज ब रोज मजबूत होंगे, और हमारी ट्रेनिंग में कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है। यह बाधा कौन है? संसार, जिसको आप अपने संग लेके चल रहे हैं। अभी भी आपका जो पास्ट है वो आपके संग चल रहा है, अभी भी जो आपका पास्ट है, जो आपका भूतकाल है, जिसको आपको निकाल देना चाहिए, वो आपके साथ चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह जब ऊपर गया, क्या लिखा है? 4:8, इफिसियों 4:8, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। बंधुवाई को बांध ले गया, बंधुए को नहीं, बंधुवाई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। 1 मिनट, इसका 11वां पढ़ना है इसके बाद। बंधुवाई को बांध ले गया यीशु मसीह, जब क्रूस पर क्रूसिफाइड होने के बाद जब मरकर जिंदा हुआ, तो क्या ले गया? बंधुवाई को बांध ले गया। कौन सी चीजें? जिन चीजों ने संसार को बांधा हुआ था, ध्यान से समझिए। 3 चीजें थी जिन्होंने संसार को बांधा हुआ था, उन 3 चीजों को यीशु मसीह अपने साथ ले गया। हालेलुया। कौन सी चीज थी? पाप। नंबर 2, मौत। 3, शैतान। इन 3 को यीशु मसीह बंधुआई, जिन्होंने संसार को बांधा हुआ था, उनको ऊपर ले गया। आपको पता है कि शैतान इस समय कहां है? 3rd आकाश में। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो शैतान नीचे आ जाएगा, शैतान धरती पर नहीं है, क्योंकि कलीसिया है। इसीलिए जब रैप्चर में हम उठाए जाएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, तब शैतान नीचे आएगा, और 7 साल महासंकट का समय होगा, वो तबाही ले आएगा। यीशु मसीह खत्म कर देगा पूरे हिंदुस्तान को, पूरी धरती को हिला देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह इन 3 चीजों को क्रूस पर मरने के बाद जिंदा, कोई बताएगा नहीं आपको, इसलिए मैं समझ आ रहा हूं आपको कि आप कलीसिया से दूर मत रहिए, ये ट्रेनिंग का पीरियड है, यहां सिर्फ सर दर्द, ये दर्द, वो दर्द के लिए मत आइए। जो सही ज्ञान है, जो सही आशीष है, उसको लेने के लिए आइए। क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कोई मायने नहीं है।
कोई मायने नहीं है बहन आपके पैसों की, आपकी दौलत का, आपके शरीर का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर आपने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे रहना है यहां पर, मैं यीशु में कौन हूं और मुझे धरती पर रहना कैसे, क्या बन के रहना है, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं, आप नहीं जानते आप कौन हैं, आप नहीं जानते कि आप में कौन सा सामर्थ है। हम जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है उसको बेवजह फिजूल की बातों में ना बिताएं। इसलिए यीशु मसीह जिन चीजों ने संसार को बांधा हुआ था उसको अपने संग ले गया और संसार से और स्वर्ग से क्या दिया, ग्यारहवां पढ़िए, मनुष्यों को दान दिए, ऊपर से क्या दिया, स्वर्ग से मनुष्यों को दान दिए, क्या दान दिए, ग्यारहवां, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पांच कैटेगरीज दी उसने, किसी को प्रेरित बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को उपदेशक बनाया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया, किसी को सुसमाचारक बनाया, किसी को चंगा करने वाला बनाया। क्यों बनाया, ताकि कलीसिया से जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको सही ज्ञान मिल सके, उनको सही ट्रेनिंग मिल सके। हम कलीसिया में क्यों हैं, ताकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। हमें वो जीवन नहीं जीना है जो अब तक हम जी रहे थे। अभी मुझे वो जो वचन, जो परमेश्वर के वचन है, जो नियम है, उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हेलो, अभी भी आप अपनी रोटी के लिए सोच रहे हैं, अभी भी आप अपने मकान के लिए सोच रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, मेरा भविष्य। अबे अगर तेरा भविष्य यहां पर राष्ट्रपति बन भी गया तो तू क्या हासिल कर लेगा, अगर तू प्रधानमंत्री बन भी गया तो तू क्या हासिल कर लेगा, क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगा और जब मैं धरती पर आऊंगा तो राज्य मैं करूंगा तुझ पर, तू चाहे यहां का राष्ट्रपति होगा चाहे प्रधानमंत्री होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, राज्य मुझे करना है। आपने बड़ी से बड़ी नौकरी हासिल यहां पर कर ली, अगर यह ज्ञान आपने हासिल नहीं किया, क्योंकि आपको स्वर्ग में जाकर सिंहासन पर परमेश्वर बैठाएगा और आपको धरती पर राज्य करना है, यहां के लोगों पर, या वो कोई भी पोस्ट में होंगे आप उन सबसे ऊपर होंगे। हालेलुया, आप नहीं जानते आप कौन है। इसलिए जो वचन है, जो नियम है, जो कानून है, हमें उसको उसको इंपॉर्टेंस देनी है। हम नई सृष्टि में हैं, हम नए हैं, इसलिए हमें नए तरीके से, नए विचार के संग सोचना है। नया हमारा परमेश्वर का कानून हमारे जीवन में काम करना चाहिए। हेलो, आप समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है आगे बारवां, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्यों उसने ये दान दिए हैं यीशु मसीह ने, क्यों प्रेरित बनाया है, क्यों उसने टीचर बनाया है, क्यों उसने भविष्य बनाया है, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जो आप लोग पवित्र लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको सिंहासन पर बैठाना चाहता है, आपको सिद्ध करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए। क्या करेंगे सिद्ध बनकर हम? अगर आपको सिंहासन पर नहीं बैठना तो क्या करना है सिद्ध होके? आपको, आप सिद्ध होंगे ताकि आप लोगों पर अधिकार रखेंगे, राज्य करेंगे। इसलिए
परमेश्वर ने प्रेरित बनाए, टीचर बनाए, पास्टर बनाए, ये जितने भी चुने गए हैं। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए वो कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया करें, मसीह की देह उन्नति पाए। हमारे सिद्धता से, हमारे काम करने से, हमारी सेवा से मसीह की देह उन्नति हो। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की देह कौन है? मसीह की देह कौन है? कलीसिया। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम चर्च को, उसकी देह को मजबूत करें। हमें मजबूत करना है, हमें मजबूत होना है, ताकि उस आने वाले वक्त में हम परमेश्वर का जो काम है उसको निभा सके। ये बहुत गुण विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको चंगाई मिलेगी, मिलेगी, आपके धंधे अच्छे रहेंगे, आपकी सर्विस अच्छी रहेगी, आपको अद्भुत आशीष मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि हमको यहां पर चुना गया किसके लिए है। हमको परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलना है, हमें ट्रेनिंग पीरियड अपने में अपने आप को गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बाद इसमें आएंगे हम, 4:12 में दोबारा आएंगे। देखिए अभी क्या है आपके लिए, एक परीक्षा का विषय। लूका 6:30, लूका 6:30, जो मसीह के लिए इस वचन की क्या अहमियत है और जो मसीह नहीं है उसके लिए इसकी क्या अहमियत है, सुनिए। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ये है मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा। जो कुछ तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो कोई तुझसे छीन ले उसे दोबारा मत मांग। हालेलुया। ये मेरी एक मसीह की ट्रेनिंग का हिस्सा है। आम इंसान के लिए तो नहीं, अरे यार मेरी चीज उसने खींच ली, मैं उससे लूंगा, चाहे उसे मारना पड़े, चाहे उसका हत्या करना पड़े, मेरी चीज है, लूंगा। लेकिन मेरे लिए क्या है? मुझे वापस नहीं मांगनी है। क्यों नहीं मांगनी है? क्योंकि उस आदमी के लिए हो सकता है मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसकी वैल्यू हो, लेकिन मेरे लिए उस 10,000 की वैल्यू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मेरे लिए उसके नियम पर चलना ज्यादा वैल्यूएबल है। मेरे लिए उसके नियम पर चलना ज्यादा जरूरी है, ना कि उसके पीछे भागना, जिसने मेरा 2,000 या 3,000 लेकर भाग गया है वो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं एज ए मसीह इन चीजों से ऊपर हो चुका हूं। हालेलुया। प्रभु आएगा और आपके दो मकान होंगे। अगर आपका आपका प्यार आपके मकान के लिए ज्यादा है, आपकी गाड़ी के लिए ज्यादा है, तो हो सकता है प्रभु आए और हर प्रभु तो मकान है अभी मेरे पास, गाड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं कैसे छोड़ूं, किसको दूं? लेकिन जिसने प्रभु को पा लिया, जो उस कीमत को जानता है कि प्रभु के संग जाने में मुझे क्या क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं उसके लिए, मकान की, गाड़ी की, इसकी, धंधे की कोई कीमत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप समझिए कि आप जब धरती पर हैं, आप जब ये जीवन जी रहे हैं मसीह का, एक विश्वासी का, तो आपको कैसा महसूस करना है। याकूब का, याकूब की पत्री 1:2-3, याकूब की पत्री 1:2-3,
ये सारा नियम जो कानून है परमेश्वर का वो हमारे लिए बिल्कुल अद्भुत है, कोई भी सुनेगा उसके लिए ये कानून जायज नहीं होगा, वो ये कानून उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा लेकिन मुझे खुश करेगा, मुझे आनंद करेगा। क्या कहता है याकूब के पत्र 1:2, हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हे बहन, आमेन। क्या कह रहा है मसीहों से कि जब भी तुम नाना प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हाँ, धन्यवाद। जब भी आपको परीक्षाएं आए, दुख आए, आपकी मर्जी से काम ना हो रहा हो, इसे आनंद की बात समझिए। आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, आनंद मनाइए। इस चीज को समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यही आनंद आपको सिद्ध करेगा। हालेलुया। आगे क्या है तीसरा? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता इसे है। पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरा खजाना क्या है? धीरज। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का खजाना क्या था? धीरज। जब वो यीशु को मार रहे थे उसके पास धीरज की शक्ति थी। उसने नहीं कहा कि मुझे मत मारो, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या गुनाह किया है, नहीं, क्योंकि उसके पास धीरज की शक्ति थी। धीरज था उसके पास, क्योंकि वो जानता था कि ये मारेंगे तो ही मेरे बच्चे चंगाई पाएंगे। मैं जितने कोड़े खाऊंगा मेरे बच्चे बीमारियों से नाश होंगे, मैं बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपनी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो आप आनंद की बात समझिए, क्योंकि ये परीक्षा आपको सिद्ध बना रही है। हालेलुया। आनंद किस बात का? कि मैं सिद्ध बन रहा हूं। आनंद किस बात का? कि मैं परमेश्वर के योग्य बन रहा हूं। वो पल आने वाला है जब परमेश्वर मुझे सिंहासन पर बैठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सिंहासन जो सारी चीजों से ऊपर है। यीशु के पास जाना इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, इसलिए मेरे लिए आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैं धोखे से किसी का पैसा हड़प लूं, मैं धोखे से बेवकूफ बनाकर किसी का पैसा अपनी जेब में रख लूं, इससे अच्छा है कि मेरा कोई पैसा छीने और मैं आनंद करूं। लूका 6:30 कि कोई पैसा अगर तुम्हारा छीन ले तो उससे मांगो मत। अच्छा है कि मेरा पैसा कोई छीन ले ताकि मैं उस धीरज में अपने अपने जीवन को बिताऊं। इससे अच्छा है कि मैं किसी को बेवकूफ बनाकर 10,000, 15,000, 1,00,000 रुपए नोट लूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मेरे सामर्थ को, वो मेरे आशीष को ले रहा है। आप मेरी बात समझे? प्रभु का ज्ञान उलट है, इसलिए वो कहता धन्य है वो जो मन का दीन है क्योंकि स्वर्ग का वही अधिकारी होगा। धन्य जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के वही अधिकारी होंगे। धार्मिकता के भूखे रंग, जो धार्मिकता का भूखा है उसे ही तृप्त किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा ट्रेनिंग का पीरियड है, हम ट्रेनिंग के पीरियड में, इसलिए अगर परीक्षाओं से हम गुजर रहे हैं इसे आनंद की बात समझिए, क्योंकि यह परीक्षा मुझे सिद्ध कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया,
लाख दो लाख मेरे पास पैसा आया और एक आदमी आया, उसने जबरदस्ती की, मुझे मारा और मुझसे पैसा लिया और चला गया। प्रेज द लॉर्ड, इसमें कैसा आनंद है। लेकिन प्रभु कहता आनंद करो, क्यों? क्योंकि मैं मेरे अंदर प्रभु धीरज उत्पन्न कर रहा है, धीरज मुझे सिद्ध कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा सिद्ध होना उस दो लाख से कहीं ज्यादा कीमती है। प्रेज द लॉर्ड, यही तो मेरी ट्रेनिंग है। मेरा छीन के लोग लेके जा रहे हैं और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? एक भाई ने आपका दो लाख रुपए छीना और वो भाग रहा है और भागते भागते वो गिर गया और आ रहा है, भैया आपको चोट तो नहीं लगी? प्रेज द लॉर्ड, यही आपका खजाना है। हेलो, क्योंकि मैं मसीह हूं, क्योंकि मैं नई सृष्टि में हूं, पुरानी बातें मुझ में नहीं है, मुझ में नई बातें हैं। क्योंकि मैं उस दिन के लिए चुना गया हूं जब मैं 1000 साल के लिए यहां पर आकर राज्य करने वाला हूं और प्रभु मुझे सिंहासन पर बैठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका 13वां, एफिसियों 4:13 या 13वां, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ ना जाएं। ये जो कलीसिया परमेश्वर ने बनाई है, हमें मसीह के पूरे डील डॉल में एक होना है। इसलिए हमारे लिए कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक वचन, एक एक ज्ञान, इसलिए बार बार उस वचन को समझना। आपको पता है चाइना में जो कलीसिया होती है वो खुलेआम नहीं होती है, वो बेसमेंट में होती है, अंडरग्राउंड होती है, क्योंकि वहां बाइबल पढ़ना सख्त गैर कानूनी है। अगर आपके पास बाइबल होगी आपको जेल में डाल दिया जाएगा चाइना में। लेकिन वहां पर लाखों लोग हैं, कहीं नहीं पता होता है कि अगले संडे कहां मिलेंगे, कोई नहीं बता सकता कि अगले संडे कहां मिलने हैं। लेकिन अगले संडे हर आदमी अपने आप वहां पहुंच जाएगा। यह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मुझे कहां मिलना है नेक्स्ट संडे मुझे नहीं पता, जो बेसमेंट खाली होगा हमें वहां मिलना है। अपने आप लोग पहुंच जाएंगे और भर जाता है। कोई मुझे बता रहा था, हिंदुस्तान से एक पास्टर गया और उस पास्टर ने देखा, उनको तड़प है, उनके हाथ में बाइबल और बाइबल को उन्होंने ऐसे चिपकाया हुआ है। उन सब ने कहा पास्टर से, हिंदुस्तान के पास्टर से, कि आपके हिंदुस्तान में आजादी है बाइबल पढ़ने की, सुसमाचार देने की, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमारे यहां पर भी चाइना में भी आजादी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हिंदुस्तान से जो पास्टर गया था वो कहता है नहीं करूंगा, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा कि आपको आजादी मिले, क्योंकि आप लोग एक पेज को पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं और खा जाते हैं। आपके लिए बाइबल इतनी जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान में दो दो बाइबल घर में पड़ी रहती है लेकिन कोई उठाता नहीं है। ऐसी आजादी मत मांगिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर एसी पंखा नहीं चलेगा तो चर्च नहीं आएंगे, एसी बंद है तो चर्च नहीं आएंगे, बारिश हो गई तो चर्च नहीं आएंगे। वो लोग जान अपनी हथेली पर रखकर चर्च आते हैं।
नहीं चाहिए आजादी, गुलामी अच्छी है क्योंकि आप प्रभु में हैं। हिंदुस्तान में बाइबल की कोई कीमत नहीं पता किसी को, उस जीवन की कीमत नहीं पता जिस जो कि जीवन है। जिस दिन यीशु आएगा और उठा लेके जाएंगे, उस दिन एहसास होगा कि बाइबल क्या है, उस दिन एहसास होगा कि कीमत क्या है कलीसिया की। जो आप घर में बैठे हुए, हम बुला बुला के चल पड़ते हैं, आइए आइए आइए, लोग समझते हैं कि हमको बहुत फायदा मिलता है। मेरी बहन, आप लोग खो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपने परिवार के संग जाऊंगा। तड़पते हैं लोग, भूखे हैं इस वचन के लिए। जान हथेली पर रखकर हम नौकरी छोड़कर नहीं आते। हमें दो पैसे का वहां फायदा हो रहा है, चल छोड़ो यार, 10 पैसे फायदा उठा जाएगा, 2000 रुपए फायदा हो रहा है, चल छोड़ो। जान हथेली पर रखकर, अगर वहां पर किसी ने कह दिया ये चर्च जा रहा है, उसको जेल में। लेकिन हम उनसे ज्यादा ज्ञानी है। हालेलुया। वो कहता है कि मनुष्य मसीह के पूरे डील डॉल में मजबूत होना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय है, हमें मजबूत होना जरूरी है। हमें जानना है कि हम कौन हैं। हम चुने हुए हैं मेरी बहन, मेरे भाई। उस चुनाव को, उस जो चुने हुए की कीमत को समझिए। कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। दान दशांश लेंगे, आपकी बात बोलेंगे, आपकी बोली बोलेंगे, धन्यवाद, जाइए। कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जब यीशु आए तो मेरी पूरी कलीसिया जाए हम लोग साथ। कोई भी ना रहे, कोई भी ना रहे। Praise the Lord। 14वां, ताकि हम आगे को बालक न रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। हम अभी तक बच्चे बने हुए, हम अभी तक बच्चे बने हुए। हम कितनी बार बोल चुके हैं कलीसिया संडे का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन बच्चे बने हुए। अरे पास्टर आज नहीं, कल चले जाएंगे ना, पास्टर आज ये काम आ गया। अभी तक बच्चे बने हुए, अभी तक हम संडे के लिए ही आपको तैयार कर रहे हैं कि संडे आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। अरे अभी तक बच्चे बने हुए। क्या हासिल कर लेंगे कलीसिया खोने के बाद? वचन जो परमेश्वर ने आपको दे रहा है, उसकी कीमत मेरी बहन लाखों करोड़ों रुपए से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन आप बच्चे बने हुए, आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपके लिए देह, आपके लिए शरीर, आपके लिए पैसा, आपके लिए काम बहुत 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 कीमती है। वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। बाइबल तो वक्त है यार, चर्च है, फिर पूछ लेंगे पास्टर से। ताकि आप बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियां और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इसलिए आप लोग घुमाए जाते हैं इधर उधर, शैतान आपको घुमाता है। इधर आ, चल। जी मैं चर्च जा रहा हूं, चर्च जा रहा, वहां 5000 रुपये मिलेंगे, हैं? चलो, इमीजिएट इमीजिएट, एक सेकंड नहीं लगता। पास्टर का फोन भी आ रहा होगा, चलेंगे 5000, रॉन्ग नंबर। क्यों उछाले जा रहे हैं आप लोग? अभी तक क्यों उछाले जा रहे हैं? क्योंकि आप सिद्ध होना नहीं चाह रहे हैं, आप कीमत नहीं समझ रहे हैं।
अगला वरम प्रेम, प्रेम के वरम प्रेम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें उसमें से जो सीर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड, हर पल हमें मसीह में बढ़ना है। 16 जिसे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें से होता है अपने आप को बढ़ाती है वह उस प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, क्यों परमेश्वर ने दान दिया है मनुष्यों को, एक पासवान के रूप में, एक प्रेरित के रूप में, एक टीचर के रूप में, ताकि सारी देह एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर एक साथ गटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग में परिमाणित होता है अपने आप को बढ़ाती जाए। हमें इस देह के संग एक बढ़ना है क्योंकि कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है यीशु। घर में बैठे हुए आदमी को लेने नहीं आ रहा है, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। उसकी कीमत को समझिए मेरी बहन। आज जो हमें जीवन मिला है, हमें मसीह में जीवन मिला है, हम नई सृष्टि में हैं, हमारी आत्मा को जिंदा किया है यीशु, हमारे नाम को जानता है, उस किताब में हमारा नाम लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में। उसकी कीमत को समझिए आप, समझिए उसकी कीमत को। हर कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जाइए दूसरे चर्चेस में, आपको पता चलेगा, जो आपको पसंद है वही चीज बोलेंगे, नमस्ते जी, जाते रहिए आप सदियों, वहां पर कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सच नहीं, डरते हैं, सच बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, ना हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर का आदेश इस कलीसिया में चलता है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ बंदा हूं, मुझे वो कहना है जो परमेश्वर मुझसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे वो बात नहीं कहनी है जो आपको पसंद है। हालेलुया। इसका 22 से 25, इसलिए वो क्या कहता है, इसी का 4 का 22 से 25, कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। 4 का 22 से 25, दोबारा पढ़ो बेटा, कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। उतार डालो, पुराना चाल चलन अभी तक हमारे अंदर काम कर रहा है, ये अच्छा है वो बुरा है, इसका स्वार्थ, लालच, गुस्सा, अभी तक वही चल रहा है, ये मेरा है वो तेरा है, यही चीजें चल रही हैं अभी तक हमारे अंदर। वो कह रहा है उतार चलो, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार है भ्रष्ट हो गया है, उतार डालो, उतारो, ये पीछे खींच लेगा आपको। उतारो मेरे भाई, इसका कहीं कोई भी वजूद नहीं है, इसका कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं है। क्या पा लिया आपने, तेरा मेरा करके हमने क्या पाया, पाप। अब तक हम तेरा मेरा करते थे, ये तेरा मेरा, ये मेरा है, मेरा मेरा, इसका ले लिया, उसका ले लिया, इसका खींच लिया, उसको धोखा दे दिया, क्या पाया, पाप। और इस पाप के लिए यीशु को मरना पड़ा। क्या हम अपने लिए यीशु को बार बार मारें, पाप एक भयंकर चीज है जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गत्सेमनी के समय यीशु मसीह ने किस बात के लिए प्रार्थना की थी, कोई बताएगा मुझे,
जब अपने चेलों को दूर बैठाया गसमनी के बाग में, यीशु मसीह एक तरफ गए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहे थे कोई बताएगा? हालेलुया, बताइए बताइए। जो हमारे पाप उसके शरीर पे जाने वाले थे वो उससे हटा रहे हैं। पहला जो परमेश्वर उसको पिलाने वाला था, मतलब जो हमारे जो पाप थे जगत का पाप उनके ऊपर आ रहा था, वो हटा रहे हैं सब। हाँ, आप हेलो कौन? हाँ, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सही कहा अनीसा ने। लोग क्या कहते हैं कि वो क्रूस पर जाने से डर रहा था, क्रूस की मौत से डर रहा था। नहीं, यीशु मसीह क्रूस की मौत से नहीं डर रहा था। वो तो बोल चुका था अपने चेलों को कितनी बार कि वक्त आने वाला है, महायाजक जो अन्य जाति के लोग यहूदी मुझे सताएंगे, मुझे मारेंगे, कूटेंगे और क्रूस पर लटका देंगे और 3 दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। इसलिए वो मरने से नहीं डर रहा था। वो क्या डर रहा था? वो क्या प्रार्थना कर रहा था? पिता, मैं संसार का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो पवित्र था। हे पिता, वो पाप जो संसार का पाप तू मुझे देने वाला है, वो घड़ी आ गई है। वो प्याला मेरे पास से हटा दे, वो प्याला मुझसे दूर कर दे। मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूं, लहू बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाप को लेना नहीं चाहता हूं मैं। क्योंकि वो जानता था पाप कितनी भयंकर चीज है। वो पवित्र था, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था कि अगर ये प्याला मेरे हाथ से निकल जाए। पहला कुरिन्थियों 11 का 25-26 क्या कहता है? उसने जब आकर प्रभु भोज दिया तो उसने क्या कहा? ये लहू में एक नई वाचा है, ये लहू में नई वाचा का कटोरा है, प्याला है। प्रेज द लॉर्ड। पाप इतनी भयंकर चीज है और हम उसी पाप को पवित्र होने के बाद, मसीह बनने के बाद, उसी पाप को हम लेते हुए घबराते नहीं है, झूठ बोलते हुए नहीं घबराते, धोखा देते हुए नहीं घबराते। हम पवित्र हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें, हमारे अंदर कौन है? उसकी आत्मा है। आप उसकी कीमत को समझिए। आप कौन हैं? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु कह रहा था, रो रहा था, इसलिए उसका पसीना लहू बन गया। इसलिए वो पतरस से बोल रहा है कि प्लीज, शैतान ने मांग लिया है, अगर तू जब फिरेगा अपने दोस्तों को लेकर, अपने दोस्त भाई को लेकर आना वापस, मत कर पाप। पाप के लिए यीशु मसीह मरा और हम नई सृष्टि में होने के बाद पाप करते। चर्च ना आना पाप है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर के वचन पे ना चलना पाप है। चर्च के सामने किसी और को वैल्यू देना, किसी और को कीमत देना पाप है। हम डरते नहीं। यीशु कह रहा है, पिता, मैं उस पाप को नहीं लेना चाहता, प्लीज, संसार का पाप। इसीलिए बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक में कि जब वो क्रूसी पे था तो उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, पूरे संसार का पाप उसके ऊपर आ गया था। संसार का पाप उसके ऊपर आ गया था। पाप इतनी भयंकर चीज है और उस पाप से परमेश्वर ने हमें निकाला, हमें अपना बनाया, अपनी आत्मा दी, हमें पवित्र किया। हालेलुया। और हम उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं।
एक मिनट, और अभी अभी भी फिर हम संसार में जा रहे हैं, वही पाप जिससे परमेश्वर ने हमें बचाया अपने यीशु के द्वारा, उसी को हम लेने में हिचक नहीं कर रहे हैं। अभी भी स्वार्थ आ रहा है तो आने दे रहे हैं, कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। शरीर के सुख के लिए हम पाप करते हुए बिल्कुल नहीं डर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, यीशु कभी भी आ सकता है, आपको मौका नहीं मिलेगा। लूत के पास मौका नहीं था, लूत की बीवी के पास मौका नहीं था, इसलिए वो नमक का खम्मा बन गई। हालेलुया। हमें अपनी पवित्रता को, अपनी जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया उसको संभाल कर हमें चलना है। आप नहीं जानते हैं आपको क्या दिया है, ये जो जीवन आपको दिया है, और इस जीवन को जीते हुए आपको आपको कोई मेहनत, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हम फिर भी डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया उस अपॉइंटमेंट को, उस नियुक्ति को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए पुराने जीवन में हम जी रहे हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये बिजनेस कर लो, वो कर लो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसी में लगे हुए हैं। वो कहता है तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहाँ रहोगे, इसकी चिंता मत कर। वो 50 बार बोल रहा है मैं परमेश्वर हूं। इब्राहिम से बोलता है वो उत्पत्ति 17 में कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, तभी तो सिद्ध बनेगा। वो हमसे बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चल, अपने रोटी मकान के चक्कर में मत चल, फंस जाएगा, मेरी उपस्थिति में चल। लेकिन नहीं, हम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, और डूब रहे हैं, और डूब रहे हैं। और होता क्या है, चर्च से अलग, फिर चर्च आपको बुरा लगने लगता है, फिर पास्टर आपको बुरा लगने लगता है। अरे पास्टर हमेशा बोलता रहता है यार, हमेशा जब भी जाओ यही बोलता है। क्या पास्टर अपने लिए बोलता है, किसका नुकसान है? जिस दिन आप खोएंगे, आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको दुख होता है कि बच्चे मेरे कोई, मैं तो जिंदगी जी ली तेरी जिंदगी ली के लिए कह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा अच्छा हो, तुझे सुख मिले, तू उसकी कीमत को समझ। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, इसकी कीमत को समझिए। इसलिए वचन को समझिए, कलीसिया जरूरी है, वचन जरूरी है। ये पीरियड हमारा प्रभु का पीरियड है, ट्रेनिंग का पीरियड है। हालेलुया। और हमें इसमें चलना है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर ईमानदारी के साथ मसीह की देह के संग जुड़े हुए हैं तो आपका पालन पोषण करना परमेश्वर का दायित्व है। आपको क्या खाए, क्या आपको चाहिए, क्या चाहिए आपके बच्चे को, क्या चाहिए, वो सब वो दिन जानता है, वो आपसे ज्यादा बुद्धि रखता है। इफिसियों 5:29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, क्योंकि किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। आमीन। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, मसीह भी कलीसिया के संग उसका पालन पोषण करता है। अगर आप यहां पर जुड़े हैं, आपका पालन पोषण निश्चित है, आपकी कमी घटी को वो देखेगा, क्योंकि आप उसकी देह के अंग हैं, आप उसकी देह के। अब ये देह का ड्यूटी है, कोई भी अपनी देह के संग क्या कहता है, बैर नहीं रखता है। हर आदमी अपने शरीर की चौकसी करता है और शरीर का पालन पोषण करता है, और वैसे यीशु करता है।
इसलिए रविवार को संडे आना जरूरी है। वचन को सुनना, उस पर चलना जरूरी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप डर रहे हैं, चमत्कार होंगे आपके जीवन के साथ। प्रभु का जीवन बिताइए। प्रेज द लॉर्ड। तो यानी कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हमारा ये पीरियड कौन सा है? ट्रेनिंग का पीरियड है। बोलिए, मेरा ये जीवन ट्रेनिंग का है। मुझे परमेश्वर ने चुना है उस सिंहासन के लिए जब मैं 1000 साल के लिए इस धरती पर आऊंगा और धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करूंगा। हालेलुया, आमेन। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया।